केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दिल्ली के द्वारका में स्थित रामलीला मैदान में विजयदशमी कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने कार्यक्रम में पहुंचकर श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के रूपों की पूजा की और फिर रावण दहन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम ने रामलीला मैदान से देश की जनता को संबोधित किया और विजयदशमी के पर्व की शुभकामनाएं दी। पीएम ने अपने संबोधन में देश की जनता को 10 संकल्प दिलाए हैं। आइए जानते हैं कि क्या है पीएम मोदी द्वारा दिए गए ये 10 संकल्प। विजयदशमी के पर्व पर रामलीला मैदान में पीएम मोदी ने जनता को 10 बड़े संकल्प दिए। पीएम ने लोगों से पानी बचाने, डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने और गांव कस्बों में स्वच्छता को बढ़ावा देने की अपील की। इसी के अलावा पीएम ने लोगों को वोकल फॉर लोकल, भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने की भी कहा। साथ ही पीएम ने कहा कि यह गुणवत्तापूर्ण कार्य, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद का समय, इसीलिए उन्होंने खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद ना बनाने का संकल्प भी दिया। आइए जानते हैं पीएम मोदी के 10 संकल्प। सबसे पहले, आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचाएं, तुम्हारे डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करें, गांव कस्बों में स्वच्छता को बढ़ावा दें, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें, खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद ना बनाएं, पहले देश घूमें फिर दुनिया, किसानों को जैविक खेती के लिए जागरूक करें। तो वहीं आठवीं बात कही कि यहाँ सुपर फूड बाजरा आदि का प्रयोग करें जिसमें किसानों को बढ़ावा मिले। उनका नौवां संकल्प था योग, खेल व फिटनेस को प्राथमिकता देना, क्रम से क्रम एक गरीब परिवार का समर्थन करें। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, आज हमें सौभाग्य मिला है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। अयोध्या में अगली बार रामनवमी पर लोगों को हर्षित करने वाला पल होगा। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं, शताब्दियों के बाद भगवान राम मंदिर में विराजमान होंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।